बताइए। मैंने अभी कहा है कि ये तो मास्टरमाइंड है, ये कुछ भी कर सकते हैं भाई। वीडियो बन गई और धमकी वाले को तुम पकड़ नहीं पा रहे हो, तो मुझे लगता है इनके ही किसी आदमी ने फ़ोन कर दिया होगा। स्वाभाविक करके तो सांसद प्रज्ञा मास्टरमाइंड है। मैं फिर कह रहा हूँ कि पाखंड बंद करें, इससे संत समाज बदनाम हो रहा है। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि चुनाव डिस्टरबेंस के लिए सब चीजें बिल्कुल की जा रही हैं, सामने की जा रही हैं, और इन्हें मारेगा कौन? कौन मारेगा इन्हें? इनके हाथ पहले ही खून से रंगे हुए हैं, इन्हें कौन मारेगा बताइए? मैं एक फरसा लेकर के घूम रहा हूँ, गौरक्षा का कार्य कर रहा हूँ। मुझे कभी कभार लगता है कि ये सांसद गौ हत्या पे कभी बोली नहीं, गौ रक्षा के लिए कभी बोली नहीं, महिला सुरक्षा के लिए कभी बोली नहीं। दुर्भाग्य है देश का कि इसका यही भरोसा नहीं रहता है। कभी खड़ी होके कहती है दारू पी लेना चाहिए, औषधि है, तो ये खुद पीती है क्या है? पहले जनता को बताए, दारू होती है, शराब होती है। लेकिन साध्वी, साध्वी तुम क्यों कह रहे हो यार? नारायण साध्वी मत कहिए, उसके द्वार सीधे कहिए सांसद प्रज्ञा जी, किसी अखाड़े से नहीं है जी। नहीं, तो आपको साध्वी बता, अरे दुनिया बता रही है पाखंडी क्या ही फिर रहे हैं, और ये पाखंडी है, पाखंड करते हैं। संत समाज क्या एक्शन लेगा? संत समाज तो एक्शन ले ही रहा है, सबसे बड़ा एक्शन यही है कि इन्हें कोई मारने की धमकी देगा? आप बताइए, संत समाज का एक्शन लेंगे, अध्यक्ष जी लेंगे, हमारे अपने उसमें भी प्रोटोकॉल है, अध्यक्ष जी लेंगे, सचिव लेंगे, लेकिन हाँ मैं अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ, वही बोलूंगा जो बोलता रहा हूँ। ये पाखंड बंद करे सांसद। आप मांग करेंगे कि उनके पर कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, प्रशासन को शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए कि ऐसा पाखंड ना फैलाएं जिससे कि मेरे पूरे मध्य प्रदेश की हंसी हो। इसमें पूरे मध्य प्रदेश की हंसी हो रही है, ना कभी गौ रक्षा की बात की, ना कभी संत सम्मेलन की बात की, ना कभी संतों के उत्थान की बात की, ना छिपरा शुद्धि की बात की, ना गंगा शुद्धि की बात की, पता नहीं है। और तो दुख इस बात का होता है जब इसकी तारीखें हो तो चेयर लगा लेती है और बाकी फुटबॉल खेलती है, तो तुम ही समझ लो ये फुटबॉल जैसा ड्रामा है। जय हिंद जय भारत। सर लेकिन ये से मांग करूंगा कि सर, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि मुसलमान समुदाय के खिलाफ हूँ इसलिए मुझे ये धमकी मिलती है, और मैं हिंदू समाज के साथ खड़ी हुई हूँ और आगे भी खड़ी रहूंगी। एक बात बताइए मुझे, पूरे भारत में ये हो क्या गया है? ये आग क्यों लगा दी गई हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम? ये तो सद्भावनाओं का देश है, ये तो श्रद्धाओं का देश है, ये तो आस्थाओं का देश है, और यहाँ आस्थाओं की देश में ये आग क्यों लगाई जा रही है? ये उनसे पूछिए। कितना लगाई है? ये आग लगा तो रही है, ये आग नहीं है अभी तुम्हारे सामने, ये आग नहीं लगी है, ये आग सामने तो है ही। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तुम देख रहे हो, जो बोल रहे हैं वही जिम्मेदार है। पाखंड क्यों फैला रहे हैं? पाखंड बंद करें, विकास के नाम पर बात करें, रोजगार के नाम पर बात करें। और देखिए, इनके कुछ नेता कहते हैं कि यहाँ भारत में किसी को खतरा हो तो पाकिस्तान भेज दो, तो इसको आज साध्वी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, यहाँ रहने का अधिकार नहीं। जय हिंद जय भारत। सर साध्वी को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी है, वो कह रहे हैं अंडरवर्ल्ड ने हमें धमकी दी। पहली बात तो मैं पंचायत निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ, सांसद प्रज्ञा को मैं कहना चाहता हूँ कि ये बार बार पाखंड क्यों कर रही है? इस पाखंड को बंद करें, भोपाल के विकास की बात करें, भोपाल के उत्थान की बात करें, और इनके खून से रंगे हुए हाथ पहले से ही हैं, इन्हें कौन मारेगा? कोई इन्हें मार सकता है? ये तो स्वयं ही मास्टरमाइंड है, पाखंड क्यों कर रही हैं? जनता के बीच में पाखंड बंद करें और विकास की बात करें, समाज के उत्थान की बात करें। ये पाखंड करना बंद करे सांसद प्रज्ञा बाबा जी। लेकिन जिस तरीके